बॉल एंड डिस्क में दो तरह के कॉपलिंग यूज होते हैं, एक मोटर से गियरबॉक्स तक और एक गियरबॉक्स से पिनियन तक। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉल एंड डिस्क में कौन सा कॉपलिंग यूज होता है और ये जो कॉपलिंग यूज होता है उसका बेनिफिट क्या रहता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करूँ शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले बॉल एंड डिस्क में आपका जो मोटर से गियरबॉक्स रहता है और जो गियरबॉक्स से पिनियन रहता है उसमें सेम टाइप का कॉपलिंग यूज होता है। इसमें फ्लेक्सिबल टाइप का कॉपलिंग यूज होता है और इसमें जो हम लोग के प्लांट में कॉपलिंग यूज हो रहा है वो कॉपलिंग है नायलॉन इलास्टिक पिन कॉपलिंग। इसको यूज करने से बेनिफिट क्या रहता है? सबसे जो पहला बेनिफिट रहता है, यह इजीली वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसके साथ साथ शॉक लोड को भी ये इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर में जो बूस यूज होता है वो बूस रहता है नायलॉन के, जिसका प्रॉपर्टी इलास्टिक रहता है, जिसके वजह से ये इजीली वाइब्रेशन लोड और जार्क लोड को इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। जो दूसरा बेनिफिट रहता है इस कॉपलिंग को यूज करने का वो रहता है, अगर आपका शाफ्ट में एंगुलर या तो एक्सियल या तो पैरेलल मिसअलाइनमेंट है तो उस कंडीशन में भी ये इजीली चला सकता है कॉपलिंग को। तीसरा जो बेनिफिट रहता है इस कॉपलिंग का यूज करने का, ये कॉपलिंग बहुत ही लो मेंटेनेंस में चल सकता है और इसको एक्सटर्नल लुब्रिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। चौथा जो बेनिफिट रहता है इस कॉपलिंग को यूज करने का, ये कॉपलिंग यूज करने से आपका जो साउंड रहता है वो साउंड बहुत ही नॉर्मल रहता है। जो साउंड जनरेट करता है कॉपलिंग बहुत मिनिमम साउंड जनरेट करता है, जिससे आपका साउंड पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। और पांचवा जो बेनिफिट रहता है इस कॉपलिंग को यूज करने का वो रहता है, अगर आपका किसी भी कंडीशन में कॉपलिंग डैमेज हो गया तो कॉपलिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम बूस ही डैमेज होता है, कॉपलिंग का भी डैमेज नहीं हो पाता। तो जिसके वजह से आपका जो अंदर में बूस रहता है उसका चेंज करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल रहता है, कोई भी अनस्किल्ड पर्सन भी इसको इजीली चेंज कर सकता है। तो ये इजीली इंस्टॉलेशन या तो रिप्लेसमेंट भी हो जाता है और कोई भी पर्सन नया भी पर्सन आके इसको इजीली चेंज कर सकता है। ये सब कुछ एडवांटेज थे इस कॉपलिंग का, जिसके वजह से इस कॉपलिंग को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है बॉल एंड डिस्क में। हो सकता है आपके प्लांट में कुछ दूसरा कॉपलिंग यूज हो रहा है बॉल एंड डिस्क में, अगर आपके प्लांट में कुछ दूसरा टाइप का कॉपलिंग यूज हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। इसके साथ साथ इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप पे शेयर करने के लिए मत भूलिए।